वेरी गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। सो टुडे वी विल स्टार्ट क्लास एट चैप्टर नंबर 14.1 एक्सरसाइज एरिया ऑफ ट्रेपेजियम एंड पॉलीगॉन्स। यहाँ पर हम इस चैप्टर में जितने भी डायग्राम होंगे उसके एरिया फाइंड करेंगे। इसके लिए आपको अलग अलग डायग्राम के एरिया के फार्मूले याद होने चाहिए, जिसकी वजह से आप सारे क्वेश्चन ईजिली सॉल्व कर पाएंगे। मैंने PDF के थ्रू 14.1 एक्सरसाइज सेंड कर दी है, जिसमें आपको फार्मूले भी मैंने दे दिए हैं सभी के। आपको फार्मूले याद करना है और उसे सॉल्व करना है। यहाँ पर कुछ जो एक क्वेश्चन छूटा हुआ था, जिसको मैं वीडियो में समझाने वाला हूँ, क्योंकि ये बिना एक्सप्लेनेशन के आप समझ नहीं पाएंगे, इसलिए मैं इसका वीडियो बना रहा हूँ। वो है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 के दो पार्ट हैं, फर्स्ट और सेकेंड। तो मैं फर्स्ट आपको समझाऊंगा, उसके बाद सेकेंड स्टार्ट करेंगे, ठीक। अब सबसे पहले हम इस टॉपिक के बारे में डिस्कशन कर लेते हैं कि एरिया ऑफ ट्रेपेजियम एंड पॉलीगॉन होता क्या है। तो सबसे पहले एरिया ऑफ ट्रेपेजियम जो आपको 14.2 में मिलेगा, 14.1 में आपको डिफरेंट टाइप के पॉलीगॉन मिलेंगे। पॉलीगॉन मीन्स जो पूरी तरीके से क्लोज्ड शेप होता है, पॉलीगॉन कहलाता है। जैसे कि ट्राइंगल, रेक्टेंगल, स्क्वायर, पैरेललोग्राम, ये सभी पॉलीगॉन में आते हैं, क्योंकि ये सभी क्लोज्ड फिगर होते हैं। किसी की 3 साइड होती है, किसी की 4 साइड होती है, ठीक है, और अलग अलग टाइप्स के होते हैं, ठीक। तो इन्हीं के सबके एरिया निकालना है। जैसे एरिया ऑफ रेक्टेंगल होता है L into B, एरिया ऑफ स्क्वायर होता है साइड मल्टीप्लाई साइड। तो यही फार्मूले लगाकर हम 14.1 स्टार्ट करते हैं। तो 1, 2, 3 क्वेश्चन तो PDF के थ्रू आपको मिल जाएंगे और समझ में भी आ जाएंगे कि कैसे सॉल्व किए। नाउ हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की। यहाँ पर पूछा है एरिया ऑफ शेडेड रीजन, जहां पर शेड किया है उसका एरिया निकालिए। तो यहाँ पर मेरे सामने एक डायग्राम है। सबसे पहले मैं इस डायग्राम को एक्सप्लेन कर देता हूँ। यहाँ आपको दो रेक्टेंगल दिखाई दे रहे हैं। सबसे पहले बाहर वाला एक रेक्टेंगल ABCD, देन उसके अंदर वाला रेक्टेंगल PQRS, ओके। तो यहाँ पर हमने देखा कि ये बड़ा रेक्टेंगल है ABCD और ये PQRS जो है वो छोटा रेक्टेंगल। अब हमें क्या करना है कि ये जो येलो कलर से मैंने शेड किया है उसका एरिया निकालने के वो कितना एरिया है। तो इसके लिए मुझे क्या करना होगा, बड़े रेक्टेंगल में से छोटे रेक्टेंगल का एरिया माइनस करना पड़ेगा, तब जाके वो शेडेड रीजन आएगा। अब ऐसा करने के लिए हमें दोनों की लेंथ और ब्रिथ पता होना चाहिए, क्योंकि फार्मूले में लेंथ और ब्रिथ लगती है, ठीक। तो यहाँ पर बड़े जो रेक्टेंगल है ABCD उसकी लेंथ और ब्रिथ दी हुई है, लेकिन स्मॉल वाले की लेंथ और ब्रिथ यहाँ पर नहीं दी हुई। केवल आपको अंदर कितनी चौड़ाई है, कितनी ब्रॉड है वो दिया है, 4 मीटर, यानी कि वो भाग 4 मीटर चौड़ा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि कैसे होता है ये क्वेश्चन। सबसे पहले तो हम बड़े वाले का एरिया निकाल लेते हैं ABCD का, जिसकी लेंथ और ब्रेथ दी हुई है। तो लेंथ ABCD रेक्टेंगल कितनी दी है, लेंथ 25 सेंटीमीटर एंड ब्रेथ 40 मीटर। नाउ एरिया ऑफ ABCD रेक्टेंगल इज इक्वल टू A × B, 25 × 40, ठीक। 25 में 0 को मल्टीप्लाई किया 0, 25 × 4 = 100, 1000 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमारा निकल गया बड़े वाले रेक्टेंगल का एरिया। अब स्मॉल की बात करते हैं। तो स्मॉल में हमें लेंथ नहीं पता, तो लेंथ कैसे निकलेगी चलिए देखते हैं। तो हम लिखेंगे लेंथ ऑफ PQRS रेक्टेंगल इज इक्वल टू, अब लेंथ निकालनी है मतलब ये वाला। अब ध्यान से देखिए ये टोटल कितने का है, 25 का, ठीक। यहां से यहां तक ये और ये, ठीक है, यहां पर 8 प्लस हो रहा है 4 और इतना पार्ट छूटा हुआ है, ठीक। इस लाइन में से 25 में से हमें इतना हटाना है जो कि 4 है, और इतना हटाना है वो भी 4 है, यानी कि आपको ऊपर से 4 सेंटीमीटर हटाना है और नीचे से 4 मीटर, सॉरी ऊपर से 4 मीटर हटाना है और नीचे से 4 मीटर, ताकि हमें ये लाइन पता चल जाए।
ठीक है। तो क्या करेंगे हम, 25 में से 4 मतलब 8 हटा देंगे, तो कितना हो जाएगा 17 मीटर। ये निकल गया किसका, लेंथ ऑफ ब्रिथ ऑफ PQRS रेक्टेंगल। ब्रिथ भी ऐसी कैसे निकलेगी, यहां पर ब्रिथ कितनी दी है 40, वो हम लिखेंगे 40। अब 40 कितनी बड़ी लाइन में से इतना पार्ट, इतनी लाइन और इतनी लाइन आपको हटाना है, यानी कि इधर से भी 4 हटाना है, इधर से भी, यानी कि कितना माइनस करना पड़ेगा 8, तो कितना हो जाएगा 32 मीटर। क्लियर, दोनों निकल गए लेंथ और ब्रिथ। नाउ एरिया, एरिया ऑफ PQRS रेक्टेंगल एल इंटू बी, 17 मल्टीप्लाई 32, 4 3 के लिए 51 52 53 54 मीटर स्क्वायर। तो देखिए दोनों के एरिया निकल गए, इसका 1000 और इसका 544 मीटर स्क्वायर। अब हमें शेडेड डिजाइन निकालना है, तो यहां पर मेरे पास स्पेस है, मैं ये जगह में करवाता हूं, एरिया ऑफ शेडेड पार्ट क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ एबीसीडी माइनस एरिया ऑफ PQRS, राइट। दोनों का आप माइनस करोगे 1000 में से 544, तो आपका आंसर निकल जाएगा, ठीक है। 1000 में आप 544 को माइनस कर दीजिए, तो वही आपका शेडेड रीजन का आंसर होगा। आई होप आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलिए अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 के सेकंड पार्ट की। चलिए हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 के बी वाले पार्ट की। बी वाले पार्ट में आप देख रहे हैं यहां पर आपको एक रेक्टेंगल दिखाई दे रहा है, ठीक है, और यहां पर दो लाइन ड्रॉ की हुई है उस रेक्टेंगल के अंदर, जिसकी वजह से आपको दो ट्रायंगल दिखाई देंगे, ठीक। यानी कि क्या हुआ, आपको शेडेड पार्ट ये निकालना है येलो कलर का, तो आपको ये रेक्टेंगल में से ये दो ट्रायंगल को हटाना पड़ेगा, यानी कि रेक्टेंगल के एरिया में से आपको दो ट्रायंगल के एरिया को रिमूव करना होगा, तो बचा हुआ पार्ट आपका आंसर होगा। तो सिंपल सी बात है, सबसे पहले आपको एरिया ऑफ रेक्टेंगल निकालना है और फिर आपको एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालना है, क्योंकि हमें दो ट्राइंगलों के एरिया नहीं निकालने होंगे, क्यों, बिकॉज दोनों सेम है, बेस 2 सेंटीमीटर और हाइट 17 सेंटीमीटर। तो आप किसी एक का निकाल लीजिए, उसमें 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो दोनों का हो जाएगा, ठीक, या फिर उसी को 2 बार प्लस कर दीजिए तो भी हो जाएगा, ठीक। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, सबसे पहले एरिया ऑफ रेक्टेंगल निकालते हैं। तो इन रेक्टेंगल एबीसीडी लेंथ इज इक्वल टू, लेंथ आपको दी हुई है 17 मीटर और ब्रिथ आपको दी हुई है 30 मीटर, ठीक। ये देखिए 30 मीटर और ये 17 मीटर। सो एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू ए इंटू बी, 17 मल्टीप्लाई 30, 510 मीटर स्क्वायर। ये निकल गया हमारा सबसे पहले रेक्टेंगल। नाउ हम बात करते हैं ट्राइंगल की। ट्राइंगल आप कौन सा लेना चाहते हैं, दोनों में से कोई सा भी ले सकते हैं, तो मैं ले रहा हूं QBC। नाउ इन ट्राइंगल QBC में बेस इज इक्वल टू 2 सेंटीमीटर, राइट, एंड हाइट 17 मीटर। एक बार चेक कर लेते हैं, 17 मीटर, यस, एंड 2 सेंटीमीटर, ओके, ठीक है। यहां पर हाइट, चूंकि हमने ये मीटर स्क्वायर निकाला है, तो इसको भी आप मीटर में ही कन्वर्ट करेंगे, ठीक। यहां पर हो जाएगा बेस 0.02 मीटर, राइट, आप इस टाइप से कर सकते हैं, मीटर में भी आंसर आ जाएगा, ठीक। नाउ हम स्टार्ट करते हैं एरिया ट्राइंगल QBC इज इक्वल टू 1/2
बेस मल्टीप्लाई हाइट, दो का निकालना है इसलिए टू से मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक। तो क्या होगा, टू मल्टीप्लाई वन अपॉन टू, बेस हो गया 0.02, हाइट हो गई 17, ये कर दिया आपस में, यहां पर 72 जा 34, कितना मीटर स्क्वायर, ठीक, क्लियर है, अच्छे से आपको समझ में आ रहा है, ठीक। नाउ क्या करना है आपको, टोटल में से इतना माइनस आपको करना है, देर आर टू ट्राइंगल्स, ठीक, यहां 510 माइनस 0.34, इन दोनों का आपस में माइनस करिए, आपका आंसर आ जाएगा। एक बार आप चेक कर लीजिए, बुक में देखना पड़ेगा कि ये सेंटीमीटर में दिया है या मीटर में, थोड़ा सा कंफ्यूजन है, चेक कर लेते हैं हम। बुक में चेक किया हमने, बुक में चेक करने के बाद हमें पता चला कि जहां पर 2 सेंटीमीटर आपको बुक में दिया है उसे आपको हटाना है, यहाँ 2 सेंटीमीटर नहीं है, यहाँ 2 मीटर है, ठीक है, तो आपको यहाँ भी 2 ही लिखना है, ठीक है। और मल्टीप्लीकेशन करके आया 34, नाउ 410 by 476 इज योर सेटेड पार्ट, सेटेड पार्ट का आंसर आ गया आपका 476, बुक में थोड़ी सी मिसप्रिंट है, आप उसे सुधार। तो इसी टाइप से आपका 14.1 फिनिश होता है। नाउ नेक्स्ट वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे 14.2। थैंक यू।